सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल। वैसे बच्चे जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं और एडवांस का कर रहे हैं, वो इस क्लास को जरूर करें ताकि आपका सर्कल कंप्लीट हो जाए, जो आपके रिक्वेस्ट के कारण कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था पाठक सर से कि सर सर्कल पढ़ा छूट गया था। तो वैसे बच्चे जो VGPT से हैं वो इस लाइव क्लास को जरूर करें। और जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप घर में सर्कल बना सकें, तो जल्दी जल्दी आप लोग इस लाइव क्लास को ज्वाइन करें और ये चैनल आपका VGPT पाठक ट्यूटोरियल के नाम से है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। बीच बीच में कमेंट करते रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और शेयर भी करें, जितना हो सके अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। चलिए तो मैं अब टाइम को देखते हुए आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सर्कल। तो देखिए, हम लोग सर्कल जो है बस बेसिक से पढ़ने वाले हैं। बेसिक मतलब जीरो लेवल से, जिसको बोल सकें। इसमें हम लोग पहले एकदम बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पर टारगेट करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हायर लेवल में जाएंगे। हम लोग अचानक ज्यादा हायर लेवल में नहीं जाएंगे, एकदम धीरे धीरे लेवल में जाएंगे ताकि आपसे खुद से क्वेश्चन बन सके। बस मैं एक ही बात सबको बोलता हूं कि अगर क्वेश्चन खुद से बनने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आप समझ रहे हैं, नहीं तो बस रट्टा मार रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सर्कल। सर्कल पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक दो बात बोल दूंगा कि मैं आपसे ये अपेक्षा रखूंगा कि आपने स्ट्रेट लाइन और लोकस कंप्लीट कर लिया है, जिससे उसमें अगर उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पर, मेरा नंबर है 8757207094, जिनको किसी प्रकार का स्ट्रेट लाइन में डाउट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस पर भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजने का। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल दूं कि आशा रखूंगा कि आप स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल। आप लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और सारे फ्रेंड को कम्युनिकेट कर दीजिए कि ये लाइव क्लास जरूर से जरूर करें। तो आप लोगों ने बचपन से, मतलब 7, 8, 9 से, 6 से सर्कल पढ़ते आ रहा है और सिर्फ डेफिनेशन, बहुत सारा डेफिनेशन पढ़ा है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सर्कल का डेफिनेशन पढ़ेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डेफिनेशन है वो लोकस बेस्ड है। आप लोगों ने लोकस सुना था। लोकस का डेफिनेशन था कि
इफ ए पॉइंट ट्रेवलिंग इन ए प्लेन अकॉर्डिंग टू गिवेन कंडीशन, अगर अकॉर्डिंग टू गिवेन कंडीशन देन पाथ ट्रेस आउट बाय द पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। लोकस का हिंदी था पथ। यदि कोई बिंदु किसी रास्ते में दिए गए शर्त के अनुसार घूमे तो उसको हम लोग लोकस बोलते हैं। तो चलिए सर्कल का भी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हाँ, ये 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो चलिए, तो सर्कल का डेफिनेशन हम लोग यहां दे रहे हैं कि अगर कोई बिंदु किसी प्लेन में इस प्रकार ट्रैवल करे कि उसका एक पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल रहे, हमेशा इक्वल रहे। इफ ए पॉइंट पी मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। यदि कोई बिंदु किसी प्लेन में इस प्रकार ट्रैवल करे कि उसका एक निश्चित बिंदु से डिस्टेंस हमेशा निश्चित हो और उस निश्चित बिंदु को हम लोग सेंटर बोलते हैं, और वो निश्चित जो डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो आप समझ गए डेफिनेशन कि सर्कल अगर चाहिए, अगर सर्कल बनाना हो तो एक पॉइंट चाहिए और एक डिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग भी सर्कल का इक्वेशन में इसी का इस्तेमाल करेंगे, एक पॉइंट और एक डिस्टेंस। अगर आपको किसी का इक्वेशन लिखना है तो आप लोग उस क्या करते थे कि मान लीजिए आप लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख रहे थे तो स्ट्रेट लाइन पर जो भी पॉइंट था उसके एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड कर देते थे। हम लोग क्या करेंगे, यहां सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे, मतलब कि सर्कल पर, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर जो भी पॉइंट हो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन लिखेंगे। तो चलिए पहला फॉर्मूला हम लोग सीख रहे हैं कि उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा जिसका आपको सेंटर दिया गया है, सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है। तो चलिए देखिए, आपको ये पहला थ्योरम है कि सेंटर आपका दिया हुआ है 0,0 एंड रेडियस दिया हुआ है ए, सेंटर ओरिजिन और रेडियस ए। तो आपको अगर पिक्चर बोले बनाने कि सर्कल बनाना है जिसका सेंटर दिया हुआ है ओरिजिन और रेडियस ए दिया हुआ है, तो आप रेडियस ए ले लें और ओरिजिन को सेंटर मानते हुए ए रेडियस मान के घुमा दे, तो इस प्रकार से आपका पिक्चर बन जाएगा। ध्यान रखिएगा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैं नहीं लिख रहा हूं, बार बार मैं लिखूंगा भी नहीं, बस अभी फिलहाल आपके लिए लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, इस सर्कल पर जितना भी पॉइंट है, देख रहे होंगे इसके सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट नहीं इनफाइनाइट पॉइंट है। अब इस इनफाइनाइट पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन लिखना है। तो हम याद होगा आप लोग स्ट्रेट लाइन में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरुआत में लोकस पढ़े होंगे कि किसी का अगर इक्वेशन लिखना है तो उसके पाथ पर एक आर्बिट्री पॉइंट एक्स और वाई मान लेते हैं और मान करके उसके एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड कर देते हैं। तो देख लीजिए कि यहां आपको रिलेशन दिख रहा होगा कि अगर ओ से पी का डिस्टेंस ए रहा, ओ से द डिस्टेंस फ्रॉम पी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ओ इज इक्वल टू ए, देन पाथ पॉइंट पी ट्रेस जिस पाथ को करेगा वो सर्कल हो जाएगा। यानी ओपी का अगर डिस्टेंस ए हो जाए तो पॉइंट पी हमेशा सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ही मूव करेगा। तो देख लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं
ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप जानते ही है 0, 0। तो देख लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। अब बात आता है कि ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर दोनों साइड करते हैं। तो यहां देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये सर्कल के इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर उस सर्कल का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और रेडियस ए होता है। तो आप ध्यान से इस इक्वेशन को रटिएगा, आपको समझना है, रटना नहीं है। और एक बात ये भी बोलेंगे कि आपको याद नहीं रहेगा तो सवाल भी नहीं बनेगा, तो आपको रटना भी है थोड़ा बहुत। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर आपको सेंटर दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन के पास चलते हैं कि मान लीजिए अब आपको दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है। दूसरा इक्वेशन करने का मतलब दूसरा फॉर्म। तो अभी आप देखे थे सेंटर ओरिजिन दिया और रेडियस ए दिया, अब सेंटर को चेंज करते हैं। तो मान लीजिए सेंटर आपका जो रहा वो अल्फा और बीटा रहा और रेडियस आपका ए रहा। ध्यान दीजिएगा इक्वेशन में कि सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग सेंटर का यूज कर रहे हैं और रेडियस का यूज कर रहे हैं। तो सेंटर वहां पिछला वाला में जी ओरिजिन था, यहां अल्फा बीटा है, रेडियस आपका ए है। तो पिक्चर बना लेते हैं, तो अल्फा बीटा कहीं होगा मान लीजिए, तो मान लिए सेंटर यहां आपका है सेंटर जिसका कोऑर्डिनेट आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है, आपको रेडियस भी दिया हुआ है ए। तो इसको सेंटर मान करके ए रेडियस मान करके आप क्या करें, इसको घुमा दें तो आपको दिखेगा कि सच में ये एक सर्कल बन गया। मतलब अगर सी को सेंटर मान करके रेडियस को ए मान करके अगर आप घुमाएंगे तो जो पॉइंट लोकस निकलेगा, रास्ता निकलेगा, वो आपका सर्कल मिलेगा। अब इक्वेशन लिखने के लिए फिर से वही बात कि जिसका इक्वेशन लिखना है, जिस रास्ते का इक्वेशन लिखना है, उस रास्ते के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन निकाल देना है। तो मान लेते हैं वो पॉइंट पी है, आर्बिट्री पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। ध्यान रखिएगा पी एक पॉइंट नहीं है, इसके सर्कमफेरेंस पर बहुत सारा पॉइंट है, बस हम इक्वेशन लिखने के लिए एक पर्टिकुलर का यूज कर लिए, आर्बिट्री का यूज कर लिए। चलिए तो आप देख लें कि सी से अगर पी का डिस्टेंस ए रहा, सी से पी का सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस अगर ए रहा, तो देखेंगे कि पी हमेशा इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ही मूव करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो चलिए सी से पी का डिस्टेंस निकालते हैं, तो रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। फिर से ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो स्क्वायर कर देते हैं। तो आप देखिए स्क्वायर करने के बाद एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया सर्कल के इक्वेशन का। तो यहां भी देख रहे होंगे कि ये एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर अल्फा और बीटा है और रेडियस ए है। ध्यान रखिएगा ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म, थोड़ा याद करने का कोशिश करिएगा।
तो एक बार आप चाहें तो पिछला वाला भी फिर से देख सकते हैं इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या बोलता है कि ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस ए है। दूसरा आपका एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर अल्फा और बीटा है और रेडियस ए है। तो आप दो इक्वेशन सीखे, इसी तरह करके हम लोग बहुत सारा सर्कल का इक्वेशन सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, एक आप क्वेश्चन बनाएं, बस आपको यहाँ एक फैक्ट बात समझना है कि सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो आप कोशिश करें उसका सेंटर और रेडियस निकाल लें, और सेंटर और रेडियस अगर आपको पता चल गया तो आपका फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला में फिट कर दें तो आपका इक्वेशन निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज एट 3, 4 एंड रेडियस 5 यूनिट। ध्यान दीजिएगा कि आज पहला लेक्चर है और ये एकदम जीरो लेवल से है, बोर नहीं होइएगा। जो बना चुके हैं, जो नहीं बनाए वो फिर से देख लीजिएगा, सॉरी जो बनाए नहीं है वो बना लीजिएगा, और जो बना चुके हैं एक बार देख लीजिएगा ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए बनाने का। तो देखिए यहाँ आपको क्या दिया है कि उस सर्कल का इक्वेशन लिखना है जिसका सेंटर दे दिया 3, 4 और रेडियस आपका 5 यूनिट। तो आप लिख लें सेंटर आपका 3, 4 और रेडियस आपका 5 यूनिट दिया हुआ है। फॉर्मूला आप सीख चुके हैं, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखिए एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 25। 16 और 9 25 कटेगा। अब जो इक्वेशन लिखना होता है हमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है, क्या कि पहले 2 डिग्री का इक्वेशन लिखना है, फिर 1 डिग्री का लिखना है, फिर कांस्टेंट टर्म लिखना है। तो हम लोग यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 लिख दिए। तो इस प्रकार से ये सर्कल का आपका इक्वेशन लिखा गया। तो आप देखें बेसिकली कि किसी सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो उसमें हमको दो चीज चाहिए, एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो सेंटर और रेडियस फाइंड कर ले तो आपका इक्वेशन लिखा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 8 एंड हुज रेडियस इज 2 यूनिट। तो चलिए देखते हैं
वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर लाय ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 8 हुज रेडियस इज 2 यूनिट। देखिए ये सवाल में आपको क्या दिया है कि एक उस सर्कल का इक्वेशन लिखिए जिसका सेंटर जो है दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई करता है। अब ऐसे ही हमको लाइन नहीं, हम लोग एक्सिस नहीं बना रहे तो ऐसे ही हम लोग लाइन खींच लेते हैं। पहले लाइन का नाम लिख दिए x प्लस y इज इक्वल टू 5 और ये दूसरा लाइन है आपका 2x माइनस y इज इक्वल टू 8। अब बोल रहा है जो सर्कल का सेंटर है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ठीक है मान ली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और रेडियस 2 यूनिट का है तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर मान लेते हैं और 2 यूनिट रेडियस मान करके एक सर्कल बना देते हैं। तो आपको दिखेगा कि एक सर्कल बन चुका है। अब बात आता है कि आपको तो दो ही इक्वेशन सिखाया गया कि सेंटर और रेडियस दिया रहा तो सर्कल का इक्वेशन लिखाएगा नहीं तो नहीं लिखाएगा। बात आता है यहां आपको रेडियस तो दिख रहा है कि रेडियस का जो वैल्यू है वो आपको 2 यूनिट दे दिया लेकिन सेंटर का तो कोऑर्डिनेट ही नहीं दिया। और आपको पता है कि जब तक सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं देगा तो इक्वेशन आपका नहीं लिखाएगा। तो इसमें क्या किया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट वे में नहीं दे करके आपको इनडायरेक्ट समझाने का कोशिश किया। क्या कोशिश किया कि जो सर्कल का जो सेंटर है दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आपको याद होगा दो लाइन का इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करने के दिया, यहां समझा रहा कि आप इस दोनों लाइन को सॉल्व करें, इसके इक्वेशन को सॉल्व करें और पॉइंट निकालें तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो चलिए लाइन को सॉल्व कर रहे हैं, 2x माइनस y इज इक्वल टू 8, x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को ऐड कर दिए तो y y कैंसिल हो गया तो 3x इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू 13/3। सिमिलरली x का वैल्यू पता चल गया तो आपको y का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए y का वैल्यू निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन से, x प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस x मतलब 5 माइनस 13/3, 3 × 5 = 15 माइनस 13 तो 2/3। तो आप देख रहे होंगे कि सेंटर आपका पता चल गया, कोऑर्डिनेट सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना तो 13/3 और 2/3 और रेडियस आपको दिख रहा होगा कि 2। तो इस प्रकार से आप सेंटर भी निकाल लिए और रेडियस निकाल लिए, तो आप फॉर्मूला में फिट करिएगा तो आपको इक्वेशन निकल जाएगा। तो सेंटर आपका 13/3 और 2/3 और रेडियस आपका 2 यूनिट। तो इक्वेशन था x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, x माइनस 13/3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। बाद में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। हम इतना तक ही छोड़ देते हैं, हम आशा करेंगे कि इसके आगे आप खुद से सॉल्व कर लें। तो बात आप ये समझ रहे हैं, यहां मैं समझाने का भी कोशिश कर रहा हूं कि किसी सर्कल का अगर आपको इक्वेशन लिखना है ना तो सबसे आसान काम है कि आप कैसे भी करके सेंटर फाइंड कर लीजिए और रेडियस निकाल लीजिए और दोनों निकल गया फॉर्मूला में फिट करिए, आपका इक्वेशन सर्कल का निकल जाएगा। तो चलिए तीसरा हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, अभी हम लोग दो ही फॉर्मूला पढ़े। तीसरा फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर एंड पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर एंड पॉइंट फॉर्म। मतलब समझने का कोशिश करिएगा, हम पूरा थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, बस समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि टाइम का थोड़ा मर्यादा है और कम टाइम में बहुत सारा पढ़ाना है और ये जो क्लास है बस
उन बच्चे के लिए जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं, और नॉर्मल बच्चे भी जो बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ें ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंस ये क्लास बेसिकली मेंस और एडवांस तक के बच्चों के लिए है जो एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं। अगला थ्योरी है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर एंड पॉइंट फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें एक डायमीटर आपको दे दिया मान लीजिए, और पहला डायमीटर एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे इस डायमीटर के दूसरे एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2। बोल रहा है उस सर्कल का इक्वेशन लिखिए जिसका एक डायमीटर एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक डायमीटर किसी एक डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2, किसी एक डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब बोल रहा है इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा आप बताएं। इसके लिए दो तरीका है, मैं पहला तरीका समझाता हूं जो बेसिक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ करके देखेंगे। देखिए आपको डायमीटर एंड पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर डायमीटर एंड पॉइंट दिया है तो आप जानते हैं सेंटर जो होता है दोनों का मिड पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है वो दो डायमीटर का एंड पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। तो आप क्या करेंगे, ए और बी दिया है तो सी का कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से, मिड पॉइंट फार्मूला से सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, सेंटर पता चल जाएगा। अब बात आता है रेडियस का, तो रेडियस कैसे निकालें। तो आपको याद है कि AB का जो है डायमीटर का आधा जो हो जाएगा वो आपका रेडियस हो जाएगा, मतलब आप अगर AB का लंबाई निकाल लेंगे और उसका 1 बाई 2 कर देंगे तो आपका रेडियस भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप रेडियस निकाल करके सेंटर निकाल करके इक्वेशन लिख देंगे तो आपका इक्वेशन लिखा आ जाएगा। लेकिन हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे तरीके से लिखने का कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे लिखें, तो आप सर्कल का प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि डायमीटर हमेशा सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। डायमीटर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री या राइट एंगल एट द सर्कमफेरेंस, हमेशा सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। अगर एंगल 90 डिग्री से कम हो गया, तो अगर एंगल आपका 90 डिग्री से कम हो गया तो जो पॉइंट है आपका सर्कल के बाहर हो जाएगा, और अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो पॉइंट सर्कल के भीतर हो जाएगा। मतलब अगर एंगल एग्जैक्ट 90 रहता है तो पॉइंट हमेशा सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ही रहेगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसका इक्वेशन लिख रहे हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट P है, अब P के साथ शर्त क्या है कि PA और PB जो है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो लिखते हैं PA परपेंडिकुलर PB है, और आप पढ़े हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर तब होता है जब उसके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू माइनस वन। अगर PA और PB के स्लोप का अगर प्रोडक्ट माइनस वन रहेगा तो P हमेशा सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ही रहेगा। तो चलिए स्लोप निकाल रहे हैं, PA का स्लोप, तो P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई, तो y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इंटू
पीवी का स्लोप वाई माइनस वाई टू बाय एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू माइनस वन। अब सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं, तो वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। अब सबको लेफ्ट साइड कर ले रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। तो देख लीजिए ये तीसरा फॉर्म आ चुका है, तीसरा इक्वेशन आ चुका है कि x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसके एक डायमीटर इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे इंड का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इस फॉर्मूला में आप फिट करिएगा तो आपका इस सर्कल का इक्वेशन लिखा जाएगा। तो आप लोग तीन तीन फॉर्मूला पढ़ लिए कि सेंटर ओरिजिन और रेडियस रहे तो इक्वेशन क्या होता है, अगर सेंटर अल्फा बीटा और रेडियस ए रहे तो इक्वेशन क्या होता है। तीसरा सीखे कि एक डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, इस पर आप क्वेश्चन करें। वैसे बच्चे जो आर एस अग्रवाल नहीं बनाए हैं तो मेरा पहला टारगेट रहेगा कि आर एस अग्रवाल का जो 11th का आर एस अग्रवाल जो है वो सारा क्वेश्चन खुद से बना ले ताकि उसको मेंस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो, कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं हो, इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सारा चीज तो सिमिलर रहता है। बस हम लोग क्या करते हैं उसमें थोड़ा लेवल ज्यादा रहता है जिस कारण नहीं बनने लगते हैं बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ होता है, बहुत आसान होता है, देखिएगा आपसे बनना शुरू हो जाएगा अगर आप आर एस अग्रवाल पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं। आपके सामने में क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हिच वन ऑफ द डायमीटर इंड्स पॉइंट आर ए 3, 4 एंड बी 2, 7। चलिए आप लोग इसको बना के आंसर बताइए। हाँ रितेश जी, सर डीपीपी मिलेगा क्या? देखिए हमको डीपीपी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, पाठक सर बोले कि बच्चा लोग रिक्वेस्ट कर रहा है सर्कल का क्लास के लिए, इसीलिए मैं क्लास स्टार्ट कर दिया। एक बार सर से बात कर लें और मैं भी सर से बात कर लूंगा। बस आज हम लोग बेसिक क्लास पढ़ेंगे सर्कल का, और बेसिक क्लास कहने का मतलब बस आर एस अग्रवाल जो 11th का है उसका सर्कल का सारा सवाल आपसे बन जाए, उसमें जितना उतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेंस का क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी भी पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हिच वन ऑफ द डायमीटर इन पॉइंट्स आर इतना इतना। एक सर्कल बना लेते हैं, एक डायमीटर मान लेते हैं ए बी है, ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 4, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 7। अब
चाहे तो इसको फॉर्मूला से बनाए या अपने कॉन्सेप्ट से बनाए, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए कि जो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है वो उसका सेंटर होता है। अगर आप फार्मूला भूल जाएं तो सेक्शन फार्मूला से सेंटर निकाल लीजिए, सेंटर निकालने के बाद आप डायमीटर का लंबाई निकाल लीजिए और उसका आधा करिए तो रेडियस भी निकल जाएगा। तो हम उतना करने के बजाय यहाँ फार्मूला तो सीख चुके हैं, फार्मूला में फिट कर देते हैं। फार्मूला था एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला में फिट करते हैं एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस फोर और वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हायर डिग्री वाला टर्म पहले लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11x प्लस 34 इक्वल टू जीरो। हाँ, हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप भी कॉपी लेके बैठिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा, आप भी क्वेश्चन खुद से बनाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। ये नहीं कि हम सिर्फ क्वेश्चन बनाते जाएं और समझाते जाएं, आप भी बनाइए, ट्राई करिए, आपसे जरूर बनना शुरू हो जाएगा, जरूर बनेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एच के एंड टचिंग बोथ द एक्सिस। उस सर्कल का इक्वेशन लिखें जिसका सेंटर आपको एच के दिया हुआ है और जो दोनों एक्सिस को टच करता है। चलिए आप लोग भी ट्राई करिए। चलिए, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन देखते रहिएगा अपना, मैं कोशिश करूंगा गलती नहीं करने का, थोड़ा बहुत हो जाए। अभी पिछला सवाल बहुत आसान था, एकदम सही भी था। चलिए कैलकुलेशन भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एच के एंड टचिंग बोथ द एक्सिस, जो दोनों एक्सिस को टच करता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले आपको उसके बारे में सोचना है। कि आपको सिखाया गया किसी सर्कल का अगर इक्वेशन लिखना है तो आपको सेंटर और रेडियस चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ आपको सेंटर दिया और रेडियस नहीं दिया, रेडियस के जगह लिख दिया टचिंग बोथ द एक्सिस, जो दोनों एक्सिस को टच करता है। अब आपको क्या करना है, दोनों एक्सिस को टच कराता हुआ
सर्कल बना लेना है। अब बात आता है सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाए, सेकंड क्वाड्रेंट बनाए, थर्ड में बनाए या फोर्थ में बनाए या फर्स्ट में बनाए, वो डिपेंड करता है उसके सेंटर पर। अब सेंटर एच के दिया हुआ था, हमको पता नहीं है कि एच और के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप क्या करें, जब ऐसा सवाल रहे तो आप किसी क्वाड्रेंट में एच और के का वैल्यू ले लें और आप बना दे तो आपसे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एच और के को पॉजिटिव मान करके बना लेते हैं। चलिए आपका सर्कल बन गया। अब सेंटर दिया हुआ है आपका एच कॉमा के, तो देख लीजिए। अब आपको क्या पता है, इसका रेडियस निकालना है। अब बस आपको सेंटर दिया है तो ध्यान दीजिएगा आप सर्कल का प्रॉपर्टी में कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये टेंजेंट बन जाता है, ये इधर से भी आप परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, तो ये दोनों क्या टच करा है तो टेंजेंट है। अब ये लंबाई अगर निकालना चाहे तो इधर से आप के बोल सकते हैं, अगर हॉरिजेंटल निकालना चाहे तो एच बोल सकते हैं, यानी आपको यहां दिख रहा होगा कि दोनों रेडियस ही है जो एच और के है। इसका मतलब यहां आपको दिख रहा होगा कि रेडियस का जो वैल्यू है एच है और उसका वैल्यू के है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। मतलब यहां बोलने का है कि इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है एच और के दोनों आपस में इक्वल है, तो रेडियस भी पता चल गया। अब यहां दो दो निकल, दोनों इक्वल दिख रहा है तो आप एच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों का भी कर सकते हैं, तो रेडियस पता चल गया। फॉर्मूला एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो देखिए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, अब वाई माइनस के भी लिख सकते हैं एच भी लिख सकते हैं। अब के और एच आपको दोनों इक्वल दिख रहा होगा तो आप क्या करें, एक ही वेरिएबल में लिखे इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच वाई प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसल, तो यहां से आपका इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू एच वाई प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आप इस क्वेश्चन में देखें कि आपको रेडियस नहीं दिया, बस आपको क्या टचिंग दिया, टचिंग बोथ द एक्सिस दिया। तो कभी कभी सवाल क्या होता है कि आप उसका ज्योमेट्री बना लें, तो ज्योमेट्री बनाने से आपको बहुत सारा चीज दिखने लगेगा, आप ज्योमेट्री से रेडियस निकाल लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे, रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो आज बस इतना ही, आप दो मिनट मेरे बातों को गौर से सुनेंगे कि वैसे बच्चे जो सर्कल नहीं पढ़े हैं इस वीडियो को जरूर देख लें और अधिक से अधिक आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को, और लाइक भी अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। और अब घर जाकर के क्या करें, आप 11th का आरएस अग्रवाल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकालें और सर्कल को पूरा जितना तक आपको डायमीटर इन पॉइंट तक सिखा दिया गया उतना तक कंप्लीट कर लें, और अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आगे खुद से थोड़ा पढ़ने का कोशिश करें। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा और आज आपका बेसिक क्लास था, नेक्स्ट क्लास थोड़ा और पढ़ेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में जो मेंस का क्वेश्चन है उस पर जो बेस थ्योरी है मैं उसको पढ़ाऊंगा। अब बात आता है क्वेश्चन कैसे बताऊंगा, तो मैं पहले थ्योरी पढ़ा लूंगा, उसके बाद आपको सारा आईआईटी जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा और दिखाऊंगा कितने आसानी से वो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बस थोड़ा बहुत थ्योरी समझ लेना है कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, बस आप हैंडल करना सीख जाइएगा तो आपका मेंस का क्वेश्चन लगेगा बहुत आसान, बहुत टफ नहीं, बहुत आसान लगेगा, लगेगा ये तो मैं पढ़ाऊं तुरंत तो बन जाएगा, बस क्वेश्चन देखते ही आप बोल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।
बस आप घर जाके आरएस अग्रवाल जरूर बना ले, नहीं तो आपका क्या होगा, कैलकुलेशन बार बार मिस्टेक होना शुरू हो जाएगा, और मिस्टेक होगा तो बस इतना ही प्रॉब्लम में आपका आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो आप घर जाके बना ले। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट, हाँ टाइम मैं बता दूं, मैं भूल गया था, जो टाइमिंग रहेगा वो आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मैं तीन दिन आपके सामने लाइव रहूंगा, 1:30 to 2:30 मैं एग्जैक्ट टाइम पर लाइव आ जाता हूं, ध्यान रखिएगा, 2-3 मिनट का आगे पीछे हो सकता है, इसमें बस मैं सर्कल पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा, आप लोग सर्कल पढ़ेंगे, टाइम को नोट कर लीजिएगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एग्जैक्ट 1:30 to 2:30, इससे ज्यादा आप लेट ना करें और सारे लोग को शेयर कर दें, और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो मेरा नंबर फिर से लिख लें, 8757207094, अगर आपको ज्यादा डाउट हो तो इस नंबर पर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दें, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। चलिए धन्यवाद।